तो गाइस चलो अब वीडियो का एंड की बारी आ गई है, तो चलो हम एंडिंग एक बैंड म्यूजिक से करते हैं। चल भाई निखिल बजा ले। हाँ गाइज, आपका संजीव जब व्लॉग्स में मोस्ट वेलकम है। और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, आपको मेरा गुड मॉर्निंग। और अगर आप बोलोगे कि भाई ये तो वीडियो शाम को अपलोड होती है, तू गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा है भाई, सो गुड मॉर्निंग बोलने का ये रीज़न है क्योंकि मैं सुबह वीडियो अपलोड बनाता हूँ और शाम को अपलोड करता हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आपको शाम अगर आपको गुड इवनिंग चाहिए तो जो शाम को देखेगा वीडियो उसके लिए मेरी गुड इवनिंग है, और जो सुबह वॉच करेगा उसके लिए गुड मॉर्निंग है। ओके गाइस, सुबह सुबह मेरे को खाने की खुशबू आ रही है, लग रहा है मम्मी कुकिंग कर रही है किचन में। चलो फिर देखते हैं क्या बन रहा है। और मम्मी क्या क्या बना रहे हो खाने में? सब्जी रोटी बन रहा है। अच्छा बनाओ बनाओ, जल्दी भूख लग रही है बड़ी। गाइस सब्जी रोटी बन रहा है अभी। चलो अभी इतनी सुबह तो खाने नहीं वाला, बिना एक्सरसाइज से पहले तो मैं खाऊंगा नहीं। और पहले चलो फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिर खाते हैं। वो का जा रहा खाना का जा रहा है तो फिर वो भी खाएंगे। चलो फिर पहले फ्रेश हो लेते हैं, तो फिर चलो ब्रश कर लेते हैं और ब्रश कर लेते हैं, जल्दी जल्दी फ्रेश हो लेते हैं, फिर हमें एक्सरसाइज भी करनी है। चलो फटाफट ब्रश कर लेते हैं। गाइस आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया प्लेस पे ले जाने वाला हूँ, जिसे देख के आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और मुझे कमेंट करिए अगर आपको पता है तो मैं कहाँ जाने वाला हूँ आज। आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं आज मैं कहाँ जाने वाला हूँ। आज हम व्लॉग में कुछ अलग करेंगे। मैं जैसे कि देख रहा हूँ मैं घर से निकल चुका हूँ, बस आज मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, उसके पापा का म्यूज़िक स्टूडियो है, तो वहाँ पे चलेंगे और पियानो वगैरह बजाएंगे, गिटार विटार बजाएंगे और इन्जॉय करेंगे। गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और हम पियानो बजाएंगे भी, सब कुछ बजा के दिखाएंगे आपको। बस आप सीधा स्टूडियो पे मिलते हैं, ठीक है गाइस? तो वीडियो को देखते रहना, कीप इट वॉचिंग। ये मैंने अपने फ्रेंड को ऑलरेडी बोल रखा है कि भाई स्टूडियो स्टूडियो अपना साफ वाफ कर ले, और मुझे कुछ भी गंदगी वंदगी नहीं चाहिए, बिकॉज पब्लिक को बहुत ही अच्छा दिखाना है, इंप्रेशन पड़ना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही अपने निखिल फ्रेंड को बोल दिया है कि भाई सब कुछ साफ होना चाहिए, एक भी मुझे गंदगी दिखनी नहीं चाहिए। और उसने पहले से ही चमका के रखा पूरा स्टूडियो। सो देखते रहना, बस पहुँचने वाला हूँ। मैं अपने निखिल फ्रेंड के घर पहुँच चुका हूँ, और अगर आप निखिल को नहीं जानते हो तो निखिल जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी उसमें निखिल था, तो मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो आप, ठीक है? टाउन पार्क की, ठीक है? टाउन पार्क इंटेंस ब्लॉग, यह वही है मेरी प्रीवियस वीडियो, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको निखिल दिख जाएगा। वही है, उसी घर आया पड़ा हूँ, उसी के पापा की म्यूज़िक स्टूडियो है, सो वहीं पर आया पड़ा हूँ आज। चलो फिर देखते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है लिटरली गाइस, सो इन्जॉय करो वीडियो को, ठीक है? बस पहुँच चुका हूँ, अभी निखिल को मैं आवाज़ लगाने जा रहा हूँ। निखिल निखिल बुला रहा है मेरे को, आ जाओ चलो चलते फिर। गाइस देखते हैं चलो निखिल आज क्या कर रहा है। मैं निखिल को आवाज़ लगा रहा हूँ बट वो आ नहीं रहा है, देखते क्या कर रहा है, इतना ज़्यादा इंटेंस वो चीज़ कर क्या रहा है, इंटरेस्टिंग। गाइस गाइस निखिल निखिल पबजी प्लेइंग, गाइस बताओ पबजी खेल रहा है निखिल, बहुत मौज आ रही है निखिल की। तो भाई निखिल क्या खेल रहा है? पबजी खेल रहा है भाई, पबजी खेल रहा है। पबजी खेल रहा है भाई, खेलते कैसे भाई, मुझे भी सिखा यार। गॉड प्लेयर है भाई तू। गाइस मुझे भी बताओ कैसे खेलते, कमेंट बॉक्स में, मुझे नहीं आता है गेम खेलना, लेकिन काफी नाम सुना है इस गेम का, पबजी पबजी। सो गाइस निखिल के फाइनली गेम खत्म हो चुकी है और अब हम स्टूडियो की तरफ चल रहे हैं। मेरा सीढ़ी पे चल रहा है, निखिल के स्टूडियो के रूम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देख रहे हो वीडियो को।
प्रूफ लग रहा है कि मैं दिखा रहा हूँ, नहीं दिखाऊंगा नहीं, आपको बजा के भी दिखाऊंगा सारी चीज, ठीक है? तो देखो पियानो वियानो पूरा एकदम डेकोरेट करके रखा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैंने निखिल को पहले ही ऑलरेडी कॉल करके रखा था, बताया था कि निखिल साफ वाफ रखियो, एकदम चकाचक होना चाहिए स्टूडियो एकदम, तो वैसे ही उसने बिल्कुल एक भी आपको गंदगी कहीं दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल बढ़िया के तरीके से करके रखा है। सो अगर आप निखिल को नहीं जानते हो, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो है, प्रीवियस जो ब्लॉग है, उसमें निखिल ऑलरेडी है। सो गाइस, निखिल के काफ़ी महंगे माइक और काफ़ी ब्रांडेड माइक हैं, ऐसे ऐसे लोकल कंपनी के नहीं हैं, आप देख ही सकते हैं, स्कारलेट कंपनी के हैं, देखो। सो गाइस, निखिल के स्टूडियो में चलो मैं आपको इसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दिखा देता हूँ कि क्या क्या इस पर इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं म्यूज़िक के। सो पहले तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि ये आप माइक देख रहे होंगे, ये माइक है रिकॉर्डिंग के लिए और ये एकॉस्टिक फॉर्म है। इससे क्या होता है कि जो वॉइस होता है वो क्या होता है निखिल, वॉइस वॉइस प्रूफ होती है, इससे वॉइस का रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसका वॉइस प्रूफ होती है और वॉइस का रिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है? और ये यहाँ पे डीजे है, ठीक है, और पियानो भी है, यहाँ पे आप देख ही रहे हो पियानो भी है, एंड यहाँ पे म्यूजिक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सब है, म्यूजिक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब है, आपको ऐसा कोई भी ऐसा बाकी नहीं है इंस्ट्रूमेंट जो निखिल के स्टूडियो में नहीं हो, तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और अगर गाइज अगर आप में से कोई अगर सीखना चाहता है म्यूज़िक, सो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकता है, सो मैं निखिल का आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, ठीक है? तो फिर और निखिल के चैनल का लिंक भी है, एक चैनल है निखिल का यूट्यूब चैनल, सो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को चेकआउट करना है तो कर लेना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आती है और रोज़ कंटेंट आता है, ठीक है? और उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी म्यूज़िक सीखने में। सो फिर देखते रहिए वीडियो को, अभी बजा के भी दिखाया गया, अभी हम अभी स्टार्ट करते हैं। चल भी निखिल भाई, ऑन ऑन कर जल्दी जल्दी पटा। ओके भाई, चलो गाइस फिर अब स्टार्ट करते हैं। फाइनली कुर्सी उर्सी लग गई है, अब स्टार्ट करने वाले हैं म्यूजिक, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आपको। सो पहले निखिल ने डिसाइड करा है कि चलो स्नूप डॉग बजाया जाए, अगर आपने नहीं सुना तो पहले मैं प्ले करता हूँ और उसके बाद फिर आप मैच करना कि निखिल सही बजा रहा है नहीं बजा रहा है, ठीक है? सो वीडियो को देखते रहो और आपको फिर आगे नेक्स्ट दिखाते हैं। मैंने स्नूप डॉग सॉन्ग सुना है और अब मैं आपको कैन वी किस फॉर एवर सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो गाइज निखिल आपको बजा के दिखा ही रहा है, इसलिए मैं भी ट्राई करूंगा, आज ट्राई करने आया हूँ मैं निखिल के स्टूडियो में। सो चलो निखिल का एक और कैन वी किस फॉर एवर हम सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है? तो चल निखिल भाई बजा भाई। गाइस चलो अब मेरी बारी है, अब मैं आपको बजा के दिखाता हूँ स्नूप डॉग, ठीक है? सो प्लीज गाइस हंसना मत, मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई मेरे को नहीं आती है म्यूजिक बजाने, म्यूजिक का एम भी नहीं आता, तो फिर चलो देखो फिर। सॉरी गाइस, मेरे को नहीं आता गाइस म्यूजिक बजाना, लेकिन जितना ही बजाया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा बजाया है। सो ये मेरा फर्स्ट ट्राई है, सो आखिरी तो होगा नहीं, लेकिन निखिल मेरा फ्रेंड है तो मैं सीख ही जाऊंगा, ठीक है? सो अगर मेरी सुनता अगर टोन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है? सो चलो फिर और आपको पूरा इसका म्यूजिक का और भी इंस्ट्रूमेंट बजा के दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में, बंद कर दिया। सो गाइस चलो अब वीडियो का एंड की बारी आ गई है, तो चलो हम एंडिंग एक बैंड म्यूजिक से करते हैं। चल भाई निखिल बजा ले।
अरे फाड़ दिया भाई, फाड़ दिया, ला हाथला, अबे हाथला बेइज्जती करता है, फाड़ दिया। तो गाइस, और आपको अगर निकलिश जो स्टूडियो था आज मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई, तो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करने, अच्छे अच्छे कमेंट करना, आपके कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। सो दबा के लाइक ठोक दो, कैसे निखिल, ऐसे लाइक ठोक दो, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सो गाइस, बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग सून।